नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद पर अध्यादेश जारी करने के बाद और देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाने के बाद अब एक नई मुहिम में लग गए हैं और उनकी ये मुहिम है उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी की स्थापना। इसी फिल्म सिटी की स्थापना के सिलसिले में इस समय वो मुंबई में हैं और तमाम फिल्मकारों से मेल मिलाप कर रहे हैं, उन्हें न्योता दे रहे हैं कि आप फिल्म सिटी बनाने में हमारा सहयोग कीजिए और वहाँ फिल्में बनाने में हिस्सेदारी कीजिए। तो जाहिर है एक नई मुहिम है, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ को ये फिल्म सिटी की क्यों सूझी, अचानक वो ये एजेंडा लेकर क्यों निकल पड़े हैं। और केवल निकल नहीं पड़े हैं, पिछले 2-2.5 महीनों से लगातार इस पर बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो मकसद क्या है आखिरकार? तो एक बड़ा मकसद तो ये निकल कर आ रहा है जो कि राजनीतिक बयानबाजी के जरिए भी दिख रहा है। उसमें यह है कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो केंद्र सरकार की एक मुहिम चल रही है उसको कैसे तीखा किया जाए, कैसे उद्धव सरकार को डावाडोल किया जाए, कैसे उस पर हमले किए जाएं, और ये एक तरह का थ्रेट पैदा करना, एक तरह की धमकी देना कि हम मुंबई से फिल्म सिटी को खींचकर उत्तर प्रदेश ले जाएंगे तो मुंबई में कुछ नहीं रह जाएगा, महाराष्ट्र कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो एक बड़ा ग्लैमर है फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, उसकी जो पहचान है वही नहीं रहेगी। तो एक तरह की धमकी, छिपी हुई धमकी है इस फिल्म सिटी की योजना में। और इसी से उद्धव ठाकरे का जो व्यवहार है आप देख लें, वो भी तुर्की बतुर्की हमले कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की इस योजना पर, फिल्म सिटी पर। वो पूछ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ मुंबई भर में फिल्मकारों से मिलेंगे या वो चेन्नई, त्रिवेंद्रम और कोलकाता भी जाएंगे जहां फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप्ड है, वहां के लोगों को भी अपने यहां बुलाने का न्योता देंगे, फिल्म सिटी बनाने का न्योता देंगे, या ये केवल मुंबई को टारगेट करके किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी एक चुनौती दे दी है कि वो ऐसा करके देख लें अगर कर सकते हैं तो, और उन्हें पूरा आश्वस्त है वो कि मुंबई से फिल्म सिटी कहीं जाने वाली नहीं है, फिल्मकार कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो कुछ उन्हें वहां मिल रहा है वो योगी आदित्यनाथ दे नहीं सकते हैं। तो एक तकरार, एक राजनीतिक एजेंडा ये चल रहा है योगी आदित्यनाथ की फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के जरिए। आज हम इसी पूरे प्रोजेक्ट पर और क्या योगी आदित्यनाथ इस प्रोजेक्ट में सफल होंगे, इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। गुजारिश केवल इतनी सी है कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में एक स्वतंत्र मीडिया हो जो सच्ची और पक्की सूचनाएं, जानकारियां, खबरें आम लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो अपने फैसले सही ढंग से ले सकें, चाहे वो चुनाव से संबंधित फैसले हों, चाहे सरकार की नीतियों से संबंधित फैसले हों, क्योंकि गोदी मीडिया ये जिम्मेदारी निभाने से भाग चुका है, बल्कि वो गुमराह करने पर आमादा है। तो ऐसे समय में ये जरूरी हो जाता है लोकतंत्र को बचाने के लिए कि हम स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ खड़े हों, उसकी ताकत बने। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा और उसमें से आप अपने लिए कोई सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि सत्य हिंदी को समर्थन देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए आप ये कदम जरूर उठाएंगे। तो वापस लौटते हैं मुद्दे में। मुद्दा था कि योगी आदित्यनाथ आखिरकार फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट लेकर क्यों इतनी इस मुहिम पर चल पड़े हैं। तो एक तो बहुत ही स्पष्ट है कि महाराष्ट्र सरकार से केंद्र सरकार की ठनी हुई है, बीजेपी की ठनी हुई है। जब से उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी से अपना दामन छुड़ाकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई है, तब से वो टारगेट पर हैं और तरह तरह से कोशिश की जा रही है उसको डिस्टेबलाइज करने की, किसी न किसी बहाने। अर्णब गोस्वामी को तो उन्होंने लगा ही रखा है, कंगना रनौत भी इस काम में लगी हुई हैं, लेकिन और भी तरीके हैं जिनसे उसको डिस्टेबलाइज किया जाए। तो ये एक राजनीतिक एजेंडा
योगी आदित्यनाथ का है इसके पीछे। लेकिन अगर राजनीति के जो एजेंडा को हम दरकिनार भी रख दें और हम मान लें, ये सोच लें कि ये किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती कि अपने राज्य में वो उद्योगों का विकास करे और उसके लिए जो भी संभव है कोशिश करे, और ये एक ईमानदार कोशिश मानकर हम अगर योगी आदित्यनाथ की चलें, तो सवाल उठता है कि क्या वो इस कोशिश में कामयाब हो सकते हैं। अव्वल तो मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह की कोशिश 3.5-4 दशक पहले एक हो चुकी है, जिसमें नोएडा में एक फिल्म सिटी 100 एकड़ की जमीन पर निर्धारित की गई थी, वहाँ प्लॉट बेचे गए थे सस्ती कीमतों पर, और उसके बाद हम जानते हैं कि वहाँ फिल्में कभी शूट नहीं होती हैं, वहाँ अब वो एक टीवी सिटी बन गया है, न्यूज़ चैनलों का अड्डा बन गया है, कोई फिल्म की शूटिंग वहाँ पर नहीं होती है। तो पहला प्रोजेक्ट इस दिशा में जो सोचा गया था वो पूरी तरह से फेल हो गया। इसके बाद 2015 में अखिलेश यादव ने इसको रिवाइव करने की कोशिश की, उन्होंने 2 MOU भी साइन किए विभिन्न निर्माताओं के जरिए और प्रोजेक्ट को हाथ में लेने के लिए, लेकिन वो बात भी आगे नहीं बढ़ी और वो काम नहीं हुआ। अब योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि नोएडा में या यमुना एक्सप्रेसवे में इस पर काम किया जाए। यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास करीब 1,000 एकड़ की जमीन को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर फिल्म सिटी बनाई जा सकती है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वो सब जगह तरह से मुफीद है, वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, और पास में जो जेवर नाम की जगह है वहां पर हवाई अड्डा भी प्रपोज्ड है, बनने जा रहा है, तो वो सुविधा भी फिल्म निर्माताओं को वहां मिल जाएगी। लेकिन क्या ये सुविधाएं पर्याप्त हैं, या इन सुविधाओं के लिए कोई फिल्म निर्माता मुंबई को छोड़कर यूपी में फिल्म बनाना चाहेगा? हमें नहीं लगता है, क्योंकि उसकी कई वजह हैं। पहली बात तो ये है कि एक प्रोफेशनल कल्चर उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, वर्किंग कल्चर, प्रोफेशनल कल्चर नहीं है जो मुंबई की पहचान है। मुंबई में व्यवसायिक जो प्रतिबद्धता है वहाँ इंडस्ट्री में काम करने वालों की, वो पिछले 100 सालों के लगातार अभ्यास के बाद बन पाई है, और वो उस मामले में उनका जो कुशलता है, जो कमिटमेंट है काम के प्रति, वो और कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसलिए वो कल्चर उत्तर प्रदेश में पैदा कर पाना, और हम उत्तर प्रदेश के कल्चर को भली भांति जानते हैं, जहां काम न करने की और काम बिगाड़ने का कल्चर ज़्यादा है काम करने के बजाय, वहां इस तरह की संस्कृति का निर्माण करना एक असंभव सा काम दिखता है, वो भी ऐसी पार्टी के द्वारा जिसके वर्किंग कल्चर में कोई आस्था ना हो, कोई विश्वास ना हो, वो दूसरे तरह के कल्चर में विश्वास करती हो, तो उसके जरिए इस तरह की चीजें खड़े होना असंभव लगता है। तो पहली बात तो ये है कि जिस तरह का मैन पावर और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई में है, वैसा उत्तर प्रदेश में स्थापित कर पाना, बना पाना बहुत मुश्किल काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप फिर भी बना सकते हैं, आपके पास लैंड है, आप कुछ फिल्मकारों को, कुछ पैसे वालों को वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए भी ला सकते हैं, लेकिन जो जिन्हें फिल्म बनाना है वो वहाँ शायद ना आए, जो फिल्म बनाने वाले हैं, जो फिल्मों में काम करने वाले हैं वो नहीं आएंगे। एक बात, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिल्म निर्माण से जुड़ी हुई हैं। दूसरी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में जो भी कहा जाएगा थोड़ा है। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है, वहाँ किसी तरह से कानून व्यवस्था का कोई मामला है ही नहीं। ऐसी कानून व्यवस्था अव्यवस्था वाले प्रदेश में जाकर काम करना किसी भी फिल्म निर्माता के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। हालांकि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में बहुत सारी फिल्में शूट होने लगी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार भारी सब्सिडी देती है फिल्म अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म शूट की जा रही है, इसलिए ना कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए तो एक मोटी सब्सिडी मिल के लालच में बहुत सारे फिल्म निर्माता आते हैं और उत्तर प्रदेश में फिल्म बनाकर बस शूटिंग कर चले जाते हैं, कुछ दिनों की, वो 40-50-60 दिनों की शूटिंग, इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश में और कुछ नहीं करते हैं। तो ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वहाँ पूरी तरह से जब ये फिल्म शूट होती हैं तो उन्हें पूरा मैन पावर लेकर आना पड़ता है, और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी मुंबई या किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है, वो
उत्तर प्रदेश में उसकी संभावना गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन उस तरह का मैन पावर वहां कैसे जुटाया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। तो दूसरा ये है कि इस तरह की व्यवस्था बनाना एक टेढ़ी खीर होगा। तीसरा जो है कि जो मुंबई इस शहर का अपना एक कल्चर है जिसमें काफ़ी खुलापन है, काफ़ी आज़ादी है, वहाँ देर रात तक महिलाएं निश्चिंत होकर घूम सकती हैं, उन्हें कोई ख़तरा नहीं होता है, और यहाँ हम जानते हैं कि दिन दहाड़े भी महिलाओं को उठा लेना और उनके साथ बदतमीजियाँ करना, रेप वगैरह करना बहुत आम हो चला है। तो एक ख़ास तरह का कल्चर चूँकि मुंबई में मिलता है फिल्मकारों को, खुलापन मिलता है, आज़ादी मिलती है, इसलिए वो वहाँ पर काम करने में आसानी महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरे तरह का कल्चर है और एक नया कल्चर और बनाया जा रहा है जिसे कहते हैं कि राष्ट्रवादी संस्कृति, जिसमें तमाम तरह की पाबंदियां हैं, लॉ जिहाद एक है, लेकिन तमाम तरह की वैलेंटाइन डे वाली भी आज़ादी पर अंकुश लगाया जाता है। और जो एजेंडा है योगी आदित्यनाथ का फिल्म बनाने का, और उसमें वो जो नेशनलिज्म की बात करते हैं, बीजेपी वाला राष्ट्रवाद, और उसमें तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं कि आप ये दिखाएंगे ये नहीं दिखाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे, और ऐसा करेंगे तो आंदोलन शुरू हो जाएगा, तो ये जो संघ परिवार के लोग लगातार मुंबईया फिल्मों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनको बैन लगाने की मांग करते हैं, तो वो एक कल्चर उत्तर प्रदेश में बहुत भारी है, जिससे खौफ खाते हैं मुंबई में काम करने वाले फिल्मकार, जहां उन्हें शांति मिलती है, जहां उस तरह से उन पर हमले नहीं होते हैं। लेकिन यहां उत्तर प्रदेश की संस्कृति अब बदल चुकी है, राष्ट्रवाद के नाम पर यहां गुंडागर्दी और तमाम तरह की सेंसरशिप लागू की जाने की कोशिश हो रही है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि केंद्र सरकार भी ये काम कर रही है, और उससे जो फिल्म जगत है या जो टेलीविजन के लिए कार्यक्रम बनाते हैं उनके लिए भी एक आतंक का माहौल बनता जा रहा है। तो ऐसे में इन परिस्थितियों में फिल्म निर्माता यहाँ आकर फिल्म बनाना, मतलब अगर उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी में फिल्म बनाएंगे और अगर कोई हंगामा हुआ तो उत्तर प्रदेश की सरकार तुरंत उन पर कुछ पाबंदियां लगाने की कोशिश करेगी, उनका रोक टोक करने की कोशिश करेगी, उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी, और इस तरह से वो उनका काम करना दूभर हो जाएगा। तो वो ऐसे माहौल में क्यों काम करने आएंगे? आ सकते हैं अनुपम खेर, कंगना रनौत और इस तरह के लोग जो कि उस तरह की संस्कृति में विश्वास करते हैं, बंद पिछड़े पंथी वाली संस्कृति और तमाम तरह की जो आधुनिकता है उनका विरोध करने वाली संस्कृति, उस तरह के लोग आएंगे। लेकिन ये जो क्रिएटिव काम है, जो सृजनात्मक काम है, रचनात्मक काम है, उसमें जो आज़ादी चाहिए क्रिएटिविटी के लिए, वो अगर बाधित होती है तो ऐसे में कोई भी अच्छा कलाकार, अच्छा फिल्मकार यहाँ काम करने में उत्सुक नहीं होगा। इसलिए ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ की ये परियोजना ठप होने वाली है, जैसे पहले ठप हुई हैं, इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, और एक राजनीतिक जो वेंडेटा चल रहा है केंद्र सरकार का, उसके तहत हो सकता है कि कुछ दबाव उद्धव सरकार पर बने और वो थोड़ा सा प्रतिक्रिया भी करे, लेकिन इससे ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो रिपोर्ट, उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सत हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।